तो जी अस्सलाम वालेकुम लाइव फ्रॉम मक्का। आज माशाल्लाह हमारा मक्का में दूसरा जुमा है और लास्ट जुमा ही होगा क्योंकि इसके बाद हम मदीना चले जाएंगे। तो अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी मेरी आँख अभी थोड़ी देर पहले खुली है क्योंकि मामा तो पहले चली गई थी, 9 बजे चली गई थी, क्योंकि आपको पता जगह नहीं मिलती अंदर मस्जिद के। तो मामा तो माशाल्लाह अंदर ही नमाज़ पढ़ रही होंगी काबा के। तो अभी मेरी आँख खुली है अमेज़ॉन की कॉल से। सो आई जस्ट वेंट थ्रू द अमेज़ॉन सऊदी और यहाँ से मैंने दो चीज़ें मंगवाई हैं। एक मैंने मंगवाया है एप्पल का ओरिजिनल मैक्सेव, ये मुझे कॉस्ट किया है 129 130, ठीक है, फॉर ओरिजिनल वन। और एक मैंने ये मैंने मंगवाया है मामा के लिए, ठीक है, ये मैंने मंगवाया है अपने लिए। दिस इज़ यू ग्रीन कंपनी का, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। इस पे एयरपॉड भी चार्ज हो जाते हैं, आईफोन भी चार्ज हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं अमेज़ॉन से ऑन वेरी गुड डील। तो इनको हम रख देते हैं इधर, जहाँ से हमने सामान अपना पैक करना है। जो मैंने मामा के लिए मंगवाया ना वो ये वाला है, ये मैंने इस पर अपना फ़ोन चार्ज करके देखा है, क्योंकि ये मैंने एक होल्डर मंगवाया था चाइना से। इसमें एप्पल वॉच लग जाती है, इस पे फ़ोन लग जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड परचेज दो। तो खैर नमाज़ पढ़ने चलते हैं मसला जुमे की, तो लेट्स गो। तो जी 11:15 का टाइम हो गया ऑलमोस्ट और मैं तैयार हो गए और मैंने शलवार कमीज पहनी है वाइट कलर की, जो मैंने ईद के कपड़े पहने थे। तो बस मस्जिद की तरफ को जा रहे हैं और ये इस वक्त देखें जी आप रोड की कंडीशन, सब लोग जा रहे हैं मस्जिद के अंदर जगह सिक्योर करने के लिए, क्योंकि नमाज तो भी है ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद, लेकिन अंदर भी जगह होगी ना वो बहुत जल्दी भर जाती है, क्योंकि यहाँ पे जुमे को एक तो लोगों को छुट्टी होती है और दूसरी बात जुमा एयर हर जगह इक्विवेलेंट टू ईद होता है, यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि लोगों को छुट्टी भी होती है। तो हम भी चलते हैं, देखते हैं हमें किधर जगह मिलती है। अभी ये पुल के नीचे कुछ लोग तो यहाँ पे ही बैठ गए हैं कि यहाँ भी नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है तो हम तो आगे मस्जिद तक ही जाएंगे। ये देखिए आप माशाल्लाह लोगों का रश, और यहाँ पे आज इट्स वेरी हॉट हेयर, यहाँ पे 41-42 डिग्रीज टेम्परेचर है और सब लोग सड़क से मस्जिद की तरफ जाते हुए। जिस एंट्रेंस से हम पिछले जो मैं गए थे ना वो ही खुली हुई है आज, लेकिन पिछले हफ्ते में 1 घंटा पहले चला गया था और ये अभी तक खुली हुई है। चलें अच्छा है, ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ेगी। काफ़ी आ गया आगे ना, ये गेट खुला हुआ है, बाकी आज सारे गेट बंद हो गए क्योंकि 11:30 तो हो गए हैं। तो यहाँ तक वॉक करके जितनी मुझे प्यास लग गई है ना, तो मैं जाके यहाँ पे जमने में पीता हूँ। और अभी यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ। तो जी इस वक्त सबसे टॉप फ्लोर पे मैं हूँ, मतलब ये वाली फ्लोर पे,
ये ऊपर तो छत है, देखें कितनी ऊपर हम एलिवेटर से आए हैं। जी नमाज पढ़ ली और बाहर शदीद गर्मी है इस वक्त, बॉइलिंग आउटसाइड टेम्परेचर वो हुआ है इस वक्त। मैं फोन पे ना फोन से मामा कॉल कर रहा था, कॉल ही नहीं हो रही थी, इतना हीट अप हो गया था मेरा दूसरा फोन। और गर्मी अपनी जगह एक ब्लेसिंग ही है कि हम यहाँ पे जुमा पढ़ रहे हैं। मैंने इस वजह अपनी थी ना पीछे वाला बैग वो सर पर डाला हुआ है कि कुछ बचत हो जाए, क्योंकि सर पे बाल तो है ही नहीं, ड्रग दिमाग पे धूप पड़ रही है। तो अब जा रहे हैं मक्का टावर, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि नाश्ता किया ही नहीं है, तो देखते क्या खाते हैं। तो जी लास्ट फ्राइडे की तरह इस दफ़ा भी हमने इधर ही आ गए हैं चिक मिक्स पे उनका पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो ऑर्डर तो कर दिया है, अब वेट कर रहा हूँ लेने का। उनके पास काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे, देखें आप, यहाँ उनके पास देसी भी है, ये मंदी टाइप इस तरह की चीज़ें, और ये बिरयानी है, और ये है, ये वो पिज्जे के तीन साइजेस लगे हुए हैं। सबसे बड़े वाला है जी 70 का, उसके अगला ऊपर वाला 60 का, उससे ऊपर वाला 40 का। हमने करवाया लार्ज साइज जो 60 वाला, ये वाला साइज। तो जी आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट आवर पिज़्ज़ा इज़ हियर। And let me show you. Oh my God, this is the world's best pizza, I swear. तो जी अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, अभी असर की नमाज में टाइम रहता है, अभी 2:30 बजे हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए असर की दोबारा आ जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और रास्ते में से ये फेमस जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम अलसमा 10 रियाल का जो कप मिलता है वो खाने आए हैं, उसे लेके अपने होटल चलते हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं, रात के इस वक्त 9:30 बजे, अब हम जा रहे हैं अल हिजाज मॉल, यहाँ के इनका फेमस एक मॉल है अल हिजाज मॉल, तो वहाँ चलते हैं। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं हम, तो जी इस तरफ आ गया ट्रेन स्टेशन, विल बी कमिंग हियर इन 3 to 4 days। और इनकी रोड्स आप देखें, तो जी हम पहुंच गए हैं हिजाज मॉल में, ये इसकी ह्यूज पार्किंग है, और वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा क्लॉक टावर, अरे दूर है थोड़ा सा, खैर ये इसकी एंट्रेंस है, अंदर चलते हैं। अभी ये देखें इसके नीचे ना बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, और ये फूड कोर्ट टाइप प्ले एरिया, और इर्द गिर्द इसके सारे शॉप्स हैं, अच्छा मॉल है ये भी। आज फ्राइडे को छुट्टी होती है ना, तो इसलिए अरबी वगैरह अपने बच्चों को ले गए इधर मॉल वगैरह में आए हुए हैं, इसलिए रश है यहाँ पे। तो अब हम आए हैं R&B पे, यहाँ पे अब रश चेक करें भाई, ये बस साफ आज। तो खैर अभी हम आए हैं मैक्स पे, यहाँ पे कुछ देखते हैं। तो जैसे था ना इधर मक्का मॉल में मैक्स, वो सिर्फ फीमेल मैक्स था, तो यहाँ पे फॉर जेंट्स भी है, तो ये मैंने अपना सामान लिया है इस ट्रॉली में,
और मामा मुझसे अलग फिर रहे हैं, दूसरी तरफ है वुमेन सेक्शन, तो मामा उधर गए हैं, तो मैं इधर आया हूँ। जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली हैं, थोड़े बहुत कपड़े लिए हैं, दैट्स ऑल। तो जी ये हमने ले लिया सामान, या सारा सामान तकरीबन मेरा ही है, और इस वक्त बिल करवाने लगा हूँ मैक्स पे आगे। तो जी अभी हम मैक्स से निकले हैं, और द टोटल डैमेज कॉस्टेड अस 600, और अब हम कुछ खाना खाने जा रहे हैं। आज जो मैक्स से कपड़े जितने भी लिए ना सब मेरे हैं, ठीक है। तो ये नीचे फूड कोर्ट है, अब हम कुछ नीचे खाना खाने जाते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं आज। नीचे आके ये आप हलचल चेक करें, सिर्फ हर जगह बच्चे ही बच्चे हैं। इनको मुझे कहा कल स्कूल से भी छुट्टी है, इसलिए अभी तक 11 बज गए ना, इसलिए अभी तक अवार की कर रहे हैं इधर। तो जी अब हमने खाने के लिए आए हैं यहाँ पे कुदू पे, यहाँ से हमने बर्गर्स ऑर्डर किए हैं, और ये अरबिक चेन है, उनका ट्राई करते हैं। मैंने पहले ट्राई तो नहीं किया हुआ, और मुझे लगता है कि मज़ेदार ही होगा। तो हम टेबल पे बैठ गए हैं आगे हमारी शॉपिंग, और ये पीछे एक मॉल फुल ऑफ किड्स। तो जी हमारा खाना आ गया, मैंने ये वाला बर्गर मंगवाया था और मामा का ये वाला बर्गर था। अब इनको ट्राई करते हैं, दिखने में तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है, और ट्राई करके बताता हूँ आपको कि कुदू कैसा है। तो जी हमारा खाना आ गया है, ये मेरा बर्गर है और ये वाला मामा का बर्गर है, ये फ्राइज है, ड्रिंक है। तो अभी इनको ट्राई करता हूँ और देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि कुदू कैसा है। तो जी ये बर्गर है, देखें सही आप, सो गुड गाइस, बहुत मज़ेदार है। तो जी दी बर्गर्स वर सो गुड, और अभी 12 बज गए हैं और ऑलमोस्ट ये मॉल क्लोज होने वाला है, तो हम भी बाहर की तरफ देख रहे हैं इस मॉल की तरफ। जी अभी ये मॉल से हम बाहर निकले हैं, और यहाँ से कुछ इस किस्म का व्यू आता है, यहाँ से आप देखें बिल्कुल सामने और क्लियर नज़र आपको आ रहा है क्लॉक टावर का व्यू। और खैर अभी हमने ऑर्डर की है अपनी क्रीम, तो क्रीम आती है। सो दिस वॉज ऑल अवर डे टूडे, सी यू वेरी सून टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और जी हमारी क्रीम भी आ गई है, तो चलते हैं अपने होटल की तरफ, और सी यू टुमारो।